हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास एलेवेंथ. क्लास एलेवेंथ एक्सरसाइज 6.3. एक्सरसाइज 6.2 में हमने ग्राफ के बारे में पढ़ा था. अभी तक हमने सिर्फ एक इक्वेशन को ड्रॉ किया था 6.2 में, लेकिन अब हम 6.3 में दो तीन इक्वेशंस को भी ड्रॉ करके देखते हैं. देखो कैसे. फर्स्ट है हमारे पास, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इनइक्वालिटी ग्राफिकली. आपको जो सिस्टम्स दे रखे हैं उसको, जो इनइक्वालिटी दे रखी है उसको ग्राफिकली शो करेंगे. कैसे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, एक्स ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 3. एक्स की वैल्यू या 3 होगी या 3 से ग्रेटर होगी. वाई ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 2. अब देखो, गिवन में हमारे पास क्या है, x ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 3, y ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 2. तो हमने क्या किया, फर्स्ट में 0 0 पुट किया पहले में, क्योंकि हमें ये देखना है कि कंडीशन फॉल्स है या फिर ट्रू है. तो अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स आती है तो हम क्या बोल देंगे, अवे फ्रॉम द ओरिजन, कि ओरिजन से दूर है. और अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू है तो ओरिजन के पास का एरिया आएगा हमारे पास. देखो, हमारे पास है x ग्रेटर देन 3, इसके लिए हमने पुट किया, सबसे पहले पुट 0 0 इन x ग्रेटर देन 3. हमने 0 0 पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. और 0 है वो ग्रेटर देन 3 है, बट 0 तो ग्रेटर देन 3 नहीं है, 0 तो लेस है 3 से, तो क्या बोल देंगे, विच इज फॉल्स. अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स आ जाती है तो क्या बोल देंगे, हाफ प्लेन ऑफ x ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 3 इज अवे फ्रॉम द ओरिजन, की ये जो आपके पास इक्वेशन है ये प्लेन के अंदर कहाँ आएगी, अवे फ्रॉम द ओरिजन, ओरिजन से दूर. मीन्स जो हमारे पास x इज इक्वल टू 3 है, इक्वल के लिए भी है, तो हमने x इज इक्वल टू 3 के लिए पहले एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया. उस प्लेन के ऊपर x इज इक्वल टू 3 के लिए मैंने ये लाइन ड्रॉ की, इसकी वैल्यू है हमारे पास x इज इक्वल टू 3. अभी इस कंडीशन से क्या आया कि ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 3 है, तो इससे आ गया अवे फ्रॉम द ओरिजन, ओरिजन से दूर, ओरिजन से दूर है. तो अगर इस लाइन से हम ये वाली साइड लेंगे तो ओरिजन के पास की हो जाएगी, बट इससे अगर हम बाहर की साइड लेंगे तो क्या हो जाएगी, ओरिजन से दूर. तो इस लाइन से तो हमेशा बाहर की आ गई हमारे पास. फिर सेकेंड इक्वेशन क्या है, अगेन पुटिंग 0 0 इन y ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 2. अब इसके अंदर पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 रख देंगे, 0 ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 2. अब 0 है वो 2 से बड़ा तो नहीं है, 2 से छोटा है, तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई. तो क्या बोल देंगे, विच इज फॉल्स. और अगर फॉल्स है तो क्या आएगा, हाफ प्लेन ऑफ y ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 2 इज अवे फ्रॉम द ओरिजन, ओरिजन से दूर है. फिर मैंने y इज इक्वल टू 2 के लिए एक लाइन ड्रॉ की, ये हमारे पास आ गई y इज इक्वल टू 2. इसमें भी क्या दे रखा, ओरिजन के पास नहीं है, दूर है, तो ओरिजन के पास की होती तो ये वाली आती, अब दूर है तो बाहर वाली आ गई. फिर दोनों में देखो कॉमन क्या है, इसमें भी ये आ गई, इसमें ये आ गई, तो ये जो एरिया आ जाएगा ये दोनों में क्या आ जाएगा, कॉमन, कि ये जो आएगा आपके पास वो क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 से भी और y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2, दोनों से हमारे पास अपर एरिया आ जाएगा. इसको हम क्या बोल देंगे, हमारी जो हमारे पास कंडीशन थी उसको शो करने के लिए हमारे पास ये जो आएगा इसको डार्क ऐसे शो कर देंगे. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. 3x plus 2y less than या is equal to 12. कंडीशन दे रखी है कि 3x plus 2y less than या is equal to 12 है, x है वो greater than या is equal to 1 है और y greater than या equal to 2 है. अब हमारे पास गिवन ये कंडीशन दे रखी है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन दे रखी है उसके लिए हम पॉइंट्स निकालेंगे. टेबल ऑफ वैल्यू सेटिस्फाई द इक्वेशन, एक टेबल बना ली जो इन वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करती इस इक्वेशन को. 3x plus 2y is equal to 12, x की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी तो y क्या आ जाएगा, 2 6 जाए 12, y की वैल्यू 6 आ गई. फिर मैंने y को 0 पुट कर दिया तो 3 4 जाए 12, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4. अब हमारे पास इसके लिए हमारे पास आ गई, बट हमें ये नहीं पता कि हम इसको अवे फ्रॉम ओरिजन लिखें या टुवर्ड्स ओरिजन. उसके लिए हम क्या करते हैं, 0 0 पुट करते हैं कंडीशन में. पुटिंग 0 0 इन 3x plus 2y less than या is equal to 12, x की वैल्यू भी 0, y की भी 0, तो क्या आ जाएगा, 0 less than या is equal to 12. अब ये हमारे पास ट्रू है क्योंकि जो 0 है वो 12 से छोटा है, हमारे पास 12 से छोटा है, तो क्या आ जाएगी, विच इज ट्रू. हाफ प्लेन ऑफ 3x plus 2y less than या is equal to 12 is towards the origin. किसकी साइड आएगा, ओरिजन की साइड आएगा. ठीक है, तो फर्स्ट तो हमारे पास क्या आ गई, ओरिजन की साइड आ गई. पहले हमने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया, कार्टेशियन प्लेन पे हमने इक्वेशन को ड्रॉ किया. इक्वेशन के लिए हमारे पास क्या, 0 6, ये मेरे पास पॉइंट आ गया 0 6, जहाँ x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 6 है. सेकंड पॉइंट है जहाँ x की वैल्यू 4 है y की वैल्यू 0. इसके लिए मैंने ये लाइन ड्रॉ की, इसमें क्या है, टुवर्ड्स द ओरिजन,
इट मीन्स इस लाइन से अंदर का एरिया आएगा हमारे पास, ओरिजिन की साइड का एरिया आएगा पूरा, ठीक है। अब दो कंडीशन और भी है हमारे पास, तो क्या है दूसरी कंडीशन, एक्स है हमारे पास से, वो हमारे पास क्या दे रखा है कि ग्रेटर देन इज इक्वल टू वन। अब उसके अंदर जीरो जीरो पुट कर देंगे, जीरो पुट कर दिया तो क्या है जीरो ग्रेटर देन इज इक्वल टू वन, विच इज़ फॉल्स, क्योंकि जीरो वन से बड़ा नहीं है, वन से बड़ा नहीं है तो फॉल्स हो गई कंडीशन। और जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या आता है, अवे फ्रॉम द ओरिजन, ओरिजन से दूर, तो वाई की एक्स की वैल्यू क्या है इज इक्वल टू वन के लिए रख लिया, एक्स की वैल्यू वन के लिए मैंने ये ड्रॉ कर लिया, एक्स इज इक्वल टू वन। तो ये आ गया, इससे क्या है अवे फ्रॉम द ओरिजन, इससे तो बाहर का आएगा क्योंकि अवे दे दिया, दूर दे दिया ओरिजिन से। दूसरा हमारे पास वाई है, वाई क्या दे रखा है ग्रेटर देन या इज इक्वल टू टू। अब इसके अंदर जब मैंने जीरो पुट किया तो क्या आएगा, जीरो ग्रेटर देन या इज इक्वल टू टू, बट जीरो है वो टू से बड़ा नहीं है तो क्या बोल देंगे, विच इज फॉल्स। तो ये भी क्या आ जाएगा, अवे फ्रॉम द ओरिजन, तो वाई इज इक्वल टू टू के लिए ये लाइन ड्रॉ की वाई इज इक्वल टू टू, इसमें भी क्या आ जाएगा अवे फ्रॉम द ओरिजन, अवे आ गया तो बाहर का आएगा। अब तीनों में से कॉमन क्या आया, इससे तो हमारे पास जो ये लाइन, इससे भी बाहर का आ गया मीन्स ये एरिया आया, इससे अंदर का आएगा और इस लाइन से बाहर का, तो तीनों में हमारे पास ये जो एरिया आएगा ये तीनों में क्या आ जाएगा कॉमन एरिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसके ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। और ये जो हमारे पास लाइन थी ये है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या दे रखा है, देखो 2x प्लस वाई लेस देन या इज इक्वल टू 6। 2x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो या तो 6 के इक्वल है या 6 से लेस है। अब 6 से लेस है तो हम क्या करेंगे, 3x प्लस 4y, यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखी है कि 2x प्लस वाई ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 6 और 3x प्लस 4y लेस देन या इज इक्वल टू 12। इसके अंदर हमने अप्लाई किया, ये हमारे पास गिवन कंडीशन है। टेबल्स सब पहले हमने जो दो इक्वेशन दे रखी, दोनों इक्वेशन से हम पॉइंट्स निकाल लेंगे। कैसे, टेबल ऑफ वैल्यू सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, इक्वल के लिए लेके चल पड़े 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। जब मैंने y की वैल्यू 0 पुट कर दी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और फिर जब x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे, 0 0 पुट करके देखते हैं कि कंडीशन क्या आएगी हमारे पास। इसके अंदर 0 0 पुट कर दिया, 2x प्लस वाई इज इक्वल लेस देन या इज इक्वल टू 6। इसके अंदर हमने अगर 0 पुट कर दिया तो 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6, विच इज़ फॉल्स, क्योंकि जो 0 है वो 6 से बड़ा नहीं है। अगर 0 6 से बड़ा नहीं है तो क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। और फॉल्स है तो क्या आ जाएगा, इज़ अवे फ्रॉम द ओरिजन, ओरिजन से दूर आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 ले लिया, x की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी तो y क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और y की वैल्यू 0 पुट कर दी तो 3 4 जाए 12, x की वैल्यू 4 आ गई। इसके लिए भी हमने क्या किया, 0 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 12। अब 0 है वो क्या आ गया, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 12। अब हमारे पास 0 है, सॉरी ग्रेटर लेस देन या इज इक्वल टू 12, तो 0 है वो हमारे पास 12 से लेस है, लेस है तो हम क्या बोल देंगे, कंडीशन ट्रू है क्योंकि 12 से लेस है 0। तो क्या आ जाएगा, हाफ प्लेन ऑफ 3x प्लस 2y लेस देन या इज इक्वल टू 12 इज टूवर्ड्स द ओरिजन, ओरिजन के पास का एरिया आएगा। अब इन दोनों को ड्रॉ करेंगे हम ग्राफ पे, देखो कैसे, फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन से पॉइंट निकाल रखे हमने 0 और 3, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, वाई की वैल्यू 0, ये पॉइंट आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 के लिए। दूसरा क्या है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6 आ गई, तो ये आ गया हमारे पास, ये लाइन ड्रॉ कर ली मैंने फर्स्ट के लिए। इसी तरह सेकंड के लिए हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3 हमारे पास ये है, x की वैल्यू 0 है, ये पॉइंट आ गया। और दूसरा हमारे पास क्या, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, ये हमारे पास है सेकंड इक्वेशन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। दो इक्वेशन आ गए। अब दोनों इक्वेशन में कंडीशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, अवे फ्रॉम द ओरिजन, ओरिजन से दूर, तो बाहर वाली ये हमारे जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें क्या दे रखा, वे बाहर दे रखा ओरिजिन से, तो इससे तो बाहर का एरिया आ गया पूरा का पूरा, ये बाहर वाला एरिया आ जाएगा। दूसरे में क्या दे दिया, टुवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन के पास है, तो सेकंड हमारे पास ये इक्वेशन है, सेकंड में क्या दे दिया, अंदर की साइड का एरिया दे दिया, तो दोनों में कौन सा एरिया आएगा, ये एरिया दोनों में कॉमन आ जाएगा कि फर्स्ट इक्वेशन से तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन है और सेकंड इक्वेशन से क्या आ गया, टुवर्ड्स द ओरिजिन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। x प्लस वाई
एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0। अब x प्लस वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4 दे रखा है, तो इसको फर्स्ट को क्या लिख लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और दो पॉइंट्स निकाल लेंगे, x की वैल्यू 0 रख दी, y 4 आ जाएगा, फिर y की वैल्यू 0 रखेंगे, x 4 आ जाएगा, पुट कर देंगे 0 0 इन x प्लस वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4 के अंदर, तो दोनों में 0 अप्लाई कर दिया, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4, 0 ग्रेटर देन 4, अब 0 है वो 4 से बड़ा नहीं है, तो क्या आ जाएगा, विच इज फॉल्स है, हाफ प्लेन ऑफ x प्लस वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4 इज अवे फ्रॉम द ओरिजन, अगर फॉल्स है तो क्या आएगा, अवे फ्रॉम द ओरिजन। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, एक्स हमारे पास 0 और रख दिया तो y भी क्या आएगा 0, और x की वैल्यू अगर मैंने 1 पुट कर दी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी हमारे पास, अब पुट कर देंगे इसके अंदर 3 और 0, हमारी मर्जी है 3 और 0 करो या कुछ भी, क्योंकि हमारे पास हमें ये दिखाई दे रहा है कि कोई भी नंबर हो उसके 2 टाइम्स के इक्वल है, तो हमने क्या कर दिया 3 और 0 इंटू एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन 0, 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 0 तो क्या आ जाएगा 6 है वो ग्रेटर देन 0 है, तो 6 है वो 0 से बड़ा है, और अगर 0 से बड़ा है तो क्या बोल देंगे विच इज ट्रू। हमने क्यों किया ऐसा, क्योंकि इक्वलिटी के लिए तो यहाँ ऑप्शन ही नहीं है, इक्वलिटी के लिए ऑप्शन नहीं है इसलिए हमने कंडीशन चेंज कर ली, तो क्या आ जाएगा विच इज ट्रू आ गया हमारे पास, और ट्रू आ गया तो क्या आ जाएगा टूवर्ड्स द ओरिजन। अब हम एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे, उसके ऊपर फर्स्ट पॉइंट क्या है एक्स जीरो वाई फोर, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 4 आ जाएगी, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू 4 वाई की वैल्यू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये हमारे पास, और इसकी कंडीशन क्या है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 के लिए, दूसरी क्या है 2x माइनस वाई, एक्स जीरो वाई ज़ीरो तो ये पॉइंट आ जाएगा, फिर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2, ये पॉइंट आ गया, इसको ड्रॉ करने के लिए हमने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी है, हमारे पास क्या आया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 के लिए। अब दोनों में क्या है, दोनों में ये दे रखा है कि फर्स्ट में क्या था अवे फ्रॉम द ओरिजन, फर्स्ट में फॉल्स थी हमारे पास कंडीशन, तो फर्स्ट हमारे पास ये था फॉल्स है कंडीशन, तो इससे बाहर का एरिया ले लिया, इससे हमने बाहर ले लिया बेटा ये। सेकेंड में हमारे पास क्या ट्रू, सेकेंड में क्या आ जाएगा टूवर्ड्स द ओरिजन, तो ये जो इससे अंदर का लेंगे तो ये आ जाएगा बेटा अंदर का, दोनों में कॉमन क्या आएगा ये एरिया, दोनों में कॉमन एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1 और x माइनस टू वाई लेस देन माइनस 1, दो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन को अप्लाई करेंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 के लिए, जब हमारे पास x की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी, x 0 हो गया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 1, x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 टू जहाँ 4 आ जाएगा, 4 को इधर लेके आएंगे 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब पुट कर दिया 0 0 कंडीशन पता करने के लिए, 0 0 अप्लाई कर देंगे इन टू एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन 1 के लिए, अप्लाई कर दिया तो ये भी क्या आ जाएगा 0, 0 है वो ग्रेटर देन 1 है, बट 0 तो 1 से छोटा है, हमारे पास ग्रेटर देन 1 नहीं है तो लेस देन 1 है, इसलिए हम क्या बोल देंगे विच इज़ फॉल्स, हाफ प्लेन ऑफ 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1 इज अवे फ्रॉम द ओरिजन, क्योंकि अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स है तो क्या आता है अवे फ्रॉम द ओरिजन। फोर, दूसरी कंडीशन क्या है, x माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस 1 ले लिया, जब x की वैल्यू मैंने 1 पुट की, x की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 है, इधर आएगा माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1। इसी तरह से फिर x की वैल्यू हमने 3 पुट कर दी तो ये 3 आ जाएगा, 3 को इधर लेके आएंगे माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल 2 2 जा 4 तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसके अंदर हमने पुट कर दिया 0 0 x माइनस 2 y लेस देन इज इक्वल टू माइनस 1, हमने 0 अप्लाई किया तो ये 0 लेस देन माइनस 1, अब हमारे पास 0 है वो माइनस 1 से लेस नहीं है क्योंकि माइनस 1 तो क्या है 0 से हमारे पास छोटे हैं ये तो, बट इसमें तो क्या आ गया 0 वो लेस देन माइनस 1 ये पॉसिबल है ही नहीं तो क्या आ जाएगा विच इज फॉल्स, तो हाफ प्लेन ऑफ एक्स माइनस टू वाई लेस देन माइनस 1 इज अवे फ्रॉम द ओरिजन और फॉल्स है तो क्या आएगा अवे फ्रॉम द ओरिजन। अब दोनों के लिए हम कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे, कार्टेशियन प्लेन पे हम ये इक्वेशंस के पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट क्या है एक्स इज इक्वल टू 0 वाई माइनस 1, एक्स की वैल्यू 0 है वाई की वैल्यू माइनस 1 ये आ जाएगा, एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 है और वाई की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 2 हमारे पास ये है और वाई की वैल्यू 3 ये आ गया आपके पास पॉइंट, इसको मिलाने के लिए हमने लाइन ड्रॉ कर दी जिस लाइन का नाम क्या है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन फर्स्ट से। दूसरी हमारे पास क्या है
एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स की भी 1, वाई की भी 1, तो एक्स की वैल्यू 1 यहाँ पे आ गई और वाई की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। दूसरा हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी और वाई की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो ये रख देंगे हम, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3 के लिए आ जाएगी वाई, और ये आपको अगर इसको ऐसे बढ़ाएंगे तो हम 3 भी आ जाएगी हमारे पास है। इसी तरह से इसको हम आगे ऐसे बढ़ाते रहेंगे ऐसे, तो ये हमारे पास दो कंडीशंस आ जाएंगी। सेकेंड आ गई है हमारे पास, और इसको जब हमें शो करना है तो क्या है, दोनों के लिए कंडीशन क्या थी हमारे पास, विच इज़ फॉल्स। फर्स्ट के लिए कंडीशन क्या है, फॉल्स है। अगर फर्स्ट के लिए कंडीशन फॉल्स है तो कंडीशन में क्या दे रखा है कि अवे फ्रॉम द ओरिजन, अवे फ्रॉम द ओरिजन मीन्स ओरिजन से बाहर का एरिया, ये आ जाएगा। सेकंड में भी कंडीशन फॉल्स आ गई, क्या आ गया, अवे फ्रॉम द ओरिजन। अब इसमें ये है, इसमें भी अवे फ्रॉम द ओरिजन आएगा, बट अवे फ्रॉम द ओरिजन के लिए जब आपके पास पार्ट आएगा तो यहाँ पे क्या है, लेस देन माइनस वन है, लेस देन माइनस वन है, तो हमारे पास अपोजिट है। जब नेगेटिव को पॉजिटिव करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा, तो ये क्या जाएगा, ग्रेटर, ग्रेटर आ जाएगा, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इसलिए हमारे पास अपोजिट में ये एरिया आएगा दोनों में कॉमन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एक्स प्लस वाई ग्रेटर लेस देन या इज इक्वल टू 6, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 4। फर्स्ट के लिए आया x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, एक्स की y की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी तो x 6 आ जाएगा, x की 0 पुट कर देंगे y 6। अब इसके अंदर x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 6 है तो 0 0 अप्लाई कर देंगे, 0 0 कर देंगे, ये भी 0, ये 0, तो क्या आ जाएगा, 0 लेस देन 6, 6 लेस है हमारे पास 0, तो क्या आ जाएगा, विच इज ट्रू। और जब हमारे पास कंडीशन ट्रू है तो क्या आ जाएगा, हाफ प्लेन ऑफ x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 6 इज टूवर्ड्स द ओरिजन, ओरिजन के पास का एरिया आएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रही है, ओरिजिन के पास का एरिया दे रही है। सेकंड में क्या है, 4x प्लस y ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 4। अब इसके लिए फिर अप्लाई कर देंगे, x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू अगर मैंने 0 पुट की तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4, और जब मैंने y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। यहाँ पे क्या रखेंगे, फिर 0 0 पुट कर देंगे, x प्लस वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4, 0 है वो 4 से ग्रेटर है बट ये पॉसिबल नहीं है, तो क्या आएगा, विच इज फॉल्स, हाफ प्लेन ऑफ x प्लस वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4 इज अवे फ्रॉम द ओरिजन, ओरिजन से दूर आएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ड्रॉ करके दिखाते हैं, देखो कैसे। फर्स्ट में हमारे पास क्या है, 0 और 6, x की वैल्यू 0 आ जाएगी, y की वैल्यू 6 आ जाएगी। दूसरे में भी क्या है, 0 और 6 आ जाएगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, इसका नाम क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। सेकंड इक्वेशन क्या है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 4 है। आपकी ये जो लाइन है बेटा, ये यहाँ से ड्रॉ होगी, बाई मिस्टेक मैंने यहाँ पर 2 लिख रखा था, तो इसलिए ये ऐसे आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा, अब यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा तो इधर से हम ये ले लेंगे, और दूसरी हमारे पास क्या है, 4 4, तो ये आ जाएगी आपके पास ऐसे। अब दोनों में क्या है, एक में क्या टुवर्ड्स द ओरिजन, एक में क्या है अवे द ओरिजन। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, टुवर्ड्स द ओरिजन, ओरिजन के पास, तो फर्स्ट जो ये थी और सेकंड ये है। फर्स्ट में तो क्या आ गया, टुवर्ड्स द ओरिजन, इससे अंदर का एरिया आ गया। सेकंड में क्या आ गया, अवे द ओरिजन, इससे बाहर का एरिया आ गया। तो ये दोनों में क्या आ गया, कॉमन एरिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, टू एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 8, एक्स प्लस टू वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10। गिवन हमारे पास है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 8। फर्स्ट हमने क्या लिया, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 लेके चलेंगे, x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो y क्या आ जाएगा, 8, और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x हमारे पास 4 आएगा। पुट कर देंगे फिर 0 0 इसके अंदर, जब हमने इसके अंदर 0 0 पुट किया तो ये क्या आ जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, 0 है वो ग्रेटर देन 8 होगा, बट 0 है वो 8 से ग्रेटर नहीं है, वो तो लेस है, तो क्या आ जाएगा, विच इज़ फॉल्स। और जब फॉल्स कंडीशन है तो हाफ प्लेन ऑफ 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 8 इज अवे फ्रॉम द ओरिजन आ जाएगा। फोर, सेकेंड हमारे पास क्या, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 10 लेके चले, x की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी तो y 5 आ जाएगा, x की y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x 10 आएगा। अब पुट कर देंगे 0 0 इसके अंदर तो क्या है, x प्लस टू वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10, हमने 0 अप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10, बट 0 है वो 10 से ग्रेटर नहीं है, तो क्या आ जाएगी कंडीशन, विच इज फॉल्स। तो क्या बोल देंगे, हाफ प्लेन ऑफ x प्लस टू वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10 इज अवे फ्रॉम द ओरिजन, ओरिजन से दूर आएगा। कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 0 और 8, ये 0 8 आ गए आपके पास। सेकंड क्या है,
फोर और ज़ीरो, ये आ गया। दोनों को मिलाने के लिए हमने फर्स्ट इक्वेशन ड्रॉ कर दी। उसके बाद सेकंड है, एक्स की वैल्यू ज़ीरो, वाई की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, फाइव। तो ये फोर और सिक्स के बीच में फाइव आ गया हमारे पास। इसी तरह से यहाँ पे टेन है, इसको ड्रॉ कर देंगे, ये आ जाएगी। फिर दोनों में क्या कंडीशन फॉल्स है, तो अवे फ्रॉम द ओरिजन है, अवे फ्रॉम द ओरिजन है, तो दोनों से बाहर का एरिया हमारे पास ये वाला एरिया आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट, एक्स प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू नाइन, वाई ग्रेटर देन एक्स और एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू ज़ीरो। तीन कंडीशंस हैं हमारे पास। अब फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व करेंगे, पहले एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू नाइन, एक्स की वैल्यू ज़ीरो लेंगे, वाई की नाइन आ जाएगी, वाई ज़ीरो लेंगे, एक्स नाइन आ जाएगा। फिर इसके अंदर ज़ीरो ज़ीरो पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ज़ीरो लेस देन इज इक्वल टू नाइन, ज़ीरो वो नाइन से लेस है तो क्या आ जाएगा, विच इज़ ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गई। हाफ प्लेन ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू नाइन इज टूवर्ड्स द ओरिजन, ओरिजन के पास का एरिया आएगा। सेकेंड हमारे पास क्या है, वाई ग्रेटर देन एक्स, अब वाई ग्रेटर देन एक्स है तो हम इक्वल के लिए लेके चल पड़े, एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स थ्री रखेंगे तो वाई थ्री आएगा, एक्स फोर रखेंगे फोर आएगा, वन रखेंगे वन आएगा, टू रखेंगे टू आएगा। अब जीरो जीरो पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ जीरो अप्लाई कर देंगे तो जीरो अप्लाई करने के बाद भी हमारे पास वही कंडीशन रहेगी, किसके अंदर जीरो अप्लाई कर दिया तो क्या जीरो है वो कभी जीरो से ग्रेटर हो या लेस हो सकती है, नहीं हो सकती। अगर नहीं हो सकती हमारे पास इस कंडीशन में तो क्या बोल देंगे, विच इज ए फॉल्स, ओनली लेस है तो हमारे पास जीरो हो, ग्रेटर नहीं हो सकती जीरो से, इसलिए क्या आ जाएगा, विच इज़ फॉल्स है। इसी तरह से इसमें तो आपके पास है ही, तो हाफ प्लेन ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू सिक्स इज बियॉन्ड द ओरिजन, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मैंने शायद कंडीशन कुछ और लिख दी आपके यहाँ, ये हमारे पास आएगा एक्स प्लस वाई की बजाय क्या आएगा आपके पास, वाई ग्रेटर देन एक्स बियॉन्ड द ओरिजन, ओरिजन के अंदर से, ओरिजन में से ड्रॉ करके दिखाएंगे हम इसको। देखो कैसे, एक्स की वैल्यू ज़ीरो, वाई की वैल्यू नाइन, ये हमारे पास आ गया नाइन। फिर यहाँ पे क्या आया, एक्स की वैल्यू नाइन, वाई की वैल्यू ज़ीरो, इक्वेशन फर्स्ट रो कर दी। सेकंड क्या है, जब वन रखेंगे तो वन आएगा, टू रखेंगे टू आएगा, ये टू आ गया, ये टू, ये फोर है, ये फोर आ जाएगा, सिक्स से सिक्स है, ओरिजिन से ड्रॉ कर देंगे, जितनी एक्स की वैल्यू होगी उतनी वाई की आएगी, तो ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड आ जाएगी। अब दोनों में क्या था, फर्स्ट हमारी क्या थी, विच इज़ ट्रू, फर्स्ट ट्रू थी तो हमारे पास इससे अंदर का एरिया आएगा। सेकंड कंडीशन थी, सेकंड कंडीशन क्या थी, बियॉन्ड द ओरिजन, ओरिजन के अंदर से ड्रॉ कर रखी है और फॉल्स कंडीशन है, तो इसके अंदर का एरिया ये आ जाएगा आपके पास, तो ये दोनों में कॉमन एरिया आ जाएगा। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।